हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ये बयान दे रही हैं कि केंद्र जोड़ तोड़ की राजनीति ना करे, और अगर जोड़ तोड़ होता है या पीडीपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश होती है तो ऐसे में घाटी में 90 के हालात फिर से पैदा हो सकते हैं, जो जन्म दे सकते हैं सैयद सलाहुद्दीन और यासिन मलिक जैसे लोगों को। हमारे साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ, बेशक पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये चेतावनी नहीं, धमकी नहीं, सिर्फ एक कंसर्न है, लेकिन इस कंसर्न के पीछे कहीं ना कहीं ये बात शामिल है कि देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से बहुमत ना होने के बावजूद भी बीजेपी ने सरकार बनाई है, वही फॉर्मूला क्या कश्मीर के लिए भी सामने आ सकता है जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का हो जाए? मीनाक्षी, आपने काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछा, लेकिन दरअसल जो गुस्सें और अटकलें थी उन पे कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने कोशिश की थी शुरुआती दौर में, वो दिल्ली के स्तर पे नहीं हुई थी, वो यहाँ स्टेट जो बीजेपी का यूनिट है उसने कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उसमें उतनी सफलता या सफलता नहीं मिली जिस अंदाज से वो सोच रहे थे। अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए, बीजेपी के लिए ये अब कठिन बन रहा है कि वो दूसरी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बना पाए, क्योंकि राम माधव ने दो दिन पहले ही ये साफ कर दिया कि उनकी तरफ से अब प्रयास नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में किसी बागी दल के साथ सरकार बनाने की। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पीडीपी को काफी बड़ा झटका लगा है सरकार गिरने के बाद। न सिर्फ बीजेपी ने समर्थन वापस लिया सरकार से और सरकार टूट गई, बल्कि साथ ही साथ अब पीडीपी का जो कुंबा है वो बुरी तरह से बिखर गया है। कई सारे विधायक पीडीपी के सरकार गिरने के बाद ही सामने आए, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए कि वो खुश नहीं है पीडीपी से और उसकी जो रणनीतियां हैं उसको लेकर, और कहीं ना कहीं उसकी। अच्छा, आपको एक सेकंड में यहां पर रोक रही हूं, इस वक्त पैंथर्स पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट ईयर दैट्स द ओनली वे आउट एंड लेट दीज लीडर्स बी जज्ड बाय देयर ओन पीपल दे आर शाउटिंग फॉर। शी एडेड एंड शी सेड इफ दिल्ली ट्राइज टू डिसमिस द वोटिंग राइट्स ऑफ पीपल लाइक 1987, इफ इट ट्राइज टू क्रिएट डिवीजन एंड इंटरफियर लाइक देन दैट आई थिंक जस्ट लाइक सलाउद्दीन एंड यासिक मलिक वर बोर्न इन 1987। How do you see this, sir? Now, she is new in politics. Sheikh Abdullah said in 1953, and Nehruji was friend of Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah was dismissed and put in jail. He spent several years, more than 20 years in jail, and later on he bowed before Delhi for power. Latest khabron ke liye yu hi dekhte rahiye Aaj Tak. और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।